आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक 8वां अध्याय वचन 16 से 29। इसराइल के राजा आहाब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जब वह राजा हुआ तब 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो भी यहोवा ने यहूदा को नष्ट करना न चाहा। यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। तब योराम अपने सब रथ साथ लिए हुए साइर को गया और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के प्रधानों को भी मारा, और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। यों एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी। योराम के और सब काम और जो कुछ उसने किया, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में योराम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहज्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अहाब के पुत्र इसराइल के राजा योराम के 12वें वर्ष में यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राज्य करने लगा। जब अहज्याह राजा बना तब 22 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था, जो इसराइल के राजा ओम्री की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला और अहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वह अहाब के घराने का दामाद था। वह अहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के रामोत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया और अरामियों ने योराम को घायल किया। राजा योराम इसलिए लौट गया कि यिज्रेल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे जब वह हजाएल के साथ लड़ रहा था। अहाब का पुत्र योराम तो यिज्रेल में रोगी था। इस कारण यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह उसको देखने गया।